रिगार्ड्स ऑफ द डे, इन द लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ द स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस, द टू स्टेजेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड नेक्स्ट वन इज स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम पढ़ेंगे ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच द फीमेल गैमेट ओवम इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड ऊजेनेसिस। उसमें स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा था, इसमें ओवम और एग प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस होती है इन द फीमेल गोनाड ओवरी, जो कि कहाँ होती है? फीमेल एब्डोमिन में लोकेटेड होती है। दिस प्रोसेस डिफर फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस बिकॉज ओनली वन गैमेट प्रोड्यूस एंड थ्री पोलर बॉडीज आर देन रीअब्सॉर्ब बाय द फीमेल बॉडी। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, जैसा मैंने पीछे डायग्राम दिखाया था, इसमें फर्स्ट सेल की चार सेल बन रही थी, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, वो डेवलप किया उसने, फिर दो सेल बनाई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसने चार सेल बनाई इन द एंड, चार स्पर्मेटेड। लेकिन ऊजेनेसिस में क्या होगा, एक से दो से मतलब बन गए चार बनेंगी, चार बनने के बाद जैसे यहाँ पे चार बनी, इसमें से ये तीन है वो पोलर बॉडीज बन के बॉडी इनको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे इस डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखो जैसे मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ सेम लाइक द स्पर्मेटोजेनेसिस, ग्रोथ फेज हुआ सेम लाइक द स्पर्मेटोजेनेसिस, बट इन द मैच्योरेशन फेज जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं वो मैच्योर डिवीजन होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट बनाएंगे, तो पोलर बॉडीज बनाएंगे वो साथ में। जैसे यहाँ तक इसमें सेम है, यहाँ तक, यहाँ से इसने चार सेल बनाई, इसने दो बनाई, इसने दो बनाई, बट इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें एक से एक बना और एक से ये एक बनी और फिर यहाँ से डिवीजन हुआ तो इसने दो बनाई, तो एक दो तीन, ये तीनों हो गई आपकी पोलर बॉडीज और ये मैच्योरेशन जैसा ओजेनेसिस हो रहा था वो कंटिन्यूस है, एक एग बना तीन डिस्चार्ज हो गई, फीमेल में एक साथ चार बने, मेल में एक साथ चार बने, फीमेल में एक साथ एक बॉडी बना, एग बना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच फीमेल गैमेट ओवम इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड ऊजेनेसिस। ये एब्डोमिन में होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है क्योंकि इसमें एक गैमेट प्रोड्यूस होगा और तीन पोलर बॉडीज बनेंगी जो कि बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेगी फीमेल बॉडी। अब इसमें भी तीन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, जैसा इस डायग्राम में दिखा रहा है। सेम प्राइमरी डायप्लॉइड स्पर्म डायप्लॉइड सेल थी, डेवलप हुई सिंगल, उसमें कन्वर्ट हुई हैप्लॉइड सेल में और उसके बाद मैच्योरेशन वो रिलीज कर दिया। अब हम इसका जो पढ़ेंगे, ऊजोनिया बना है उसमें स्पर्मेटोजोनिया बन रहा था, डिफरेंस है साथ में दोनों में, उसमें ऊजोनिया बना इसमें स्पर्मेटोजोनिया बना, स्पर्मेटोजोनिया किसमें बना तो स्पर्मेटोसाइट्स में, उसमें ऊजोनिया बना, ठीक है। वैसे सेकेंडरी मैच्योर पोलर बॉडीज बनी, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी सेकेंडरी और मैच्योरेशन एग रिलीज हुआ। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, प्राइमरी जर्मिनल सेल ऑफ द ओवरी विद डायप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड सेवरल टाइम माइटोटिकली सो एज टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स नोन एज ऊजोनिया। जैसा उसमें था मल्टीप्लिकेशन फेज में प्राइमरी जर्म सेल था, डायप्लॉइड क्रोमोसोम था जो कि डिवाइड हुए सेवरल टाइम्स माइटोटिकली, जो उसने बनाया लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जिसको हमने बोला ऊजोनिया। एज सिंपल एज दैट, मल्टीप्लिकेशन फेज इज सेम of the spermatogenesis and the oogenesis, ठीक है। After that there is a growth phase. The oogonia does not divide but increases in size to form primary oocytes. तो उसने primary oocyte बना लिया, जैसे उसने primary spermatocyte बनाया था। Growth associated with both nuclear and cytoplasmic growth. Nuclear growth is due to accumulate of large amount of nucleus, sap called as germinal vesicle. तो जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, रिजर्व फूड मटेरियल जिसको हम योग बोलते हैं। तो ग्रोथ फेज सेम दोनों में, यहाँ तक बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। जैसे उसमें मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, ग्रोथ फेज हुआ, सेम इज गोइंग हियर, देयर इज नो चेंज इन मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ फेज, बट द चेंज इज इन द मैच्योरेशन फेज इन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द ऊजेनेसिस। तो वहाँ पर चेंज कहाँ आया, मैच्योरेशन फेज में। इसमें क्या हुआ, प्राइमरी ओसाइट अंडरगो टू डिवीजन बाय मियोसिस, फर्स्ट ही मियोसिस फर्स्ट, उसमें भी मियोसिस डिवीजन हो रहा था, इसमें भी मियोसिस डिवीजन हो रहा, नथिंग चेंज, इन विच टू अनइक्वल डॉटर सेल आर प्रोड्यूस, दो सेल प्रोड्यूस हो गई, जैसा इसमें देखा एक से ये दो सेल प्रोड्यूस हो गई, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, सेल सेम है, अब तक कोई चेंज नहीं है इसमें। द लार्जर सेल इज सेकेंडरी ओसाइट, तो जो लार्जर सेल थी इसमें, जैसे डायग्राम देखिए, जो लार्जर सेल है तो ये सेकेंडरी ओसाइट बन गई, एंड द स्मॉलर सेल इज फर्स्ट पोलर बॉडी, स्मॉलर सेल जो थी वो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, जिसमें क्रोमोसोम होता है बट साइटोप्लाज्म नहीं होता। पोलर बॉडी और ओसाइट में क्या अंतर है, या सेकेंडरी ओसाइट और मतलब पोलर बॉडीज में क्या अंतर है, कि उसमें
सेकेंडरी ओसाइट में, सॉरी पोलर बॉडी में आपका क्रोमोसोम तो होता है लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं होता। उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट फिर दोबारा, मतलब सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी फिर दोबारा सेकेंड मैचुरेशन हुआ, मतलब इसमें क्या हुआ म्यूसिस, सेकेंड म्यूसिस की दो वो थी, तो क्या अंतर हुआ उसमें किसी, तो उसमें भी म्यूसिस हो रहा था जैसे इसमें, जैसे डायग्राम में मैंने दिखाया इसमें भी म्यूसिस हो रहा था, तो इसमें एक से दो बनी, एक से दो बनी, इनसे दो से चार बन गई म्यूसिस, फर्स्ट म्यूसिस सेकंड के थ्रू। सेम इज़ गोइंग ऑन यूजेनेसिस, यहाँ से म्यूसिस फर्स्ट हुआ, एक सेकंड ओसाइट बना, पोलर बॉडी बना। पोलर बॉडी में क्या अंतर है कि उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, क्रोमोसोम क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद फिर म्यूसिस टू हुआ तो सेकंड ओसाइट मैचुरेशन एग में बन गया, ओवम बन गया, और उसके बाद इसमें फिर दो पोलर बॉडी बने। क्या हुआ सेकेंडरी ओसाइट्स और फर्स्ट पोलर बॉडी इन सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन में गए, म्यूसिस सेकेंड में, इक्विटोरियल डिवीजन है ना, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ आपका जो लार्ज ओवम बना और सेकेंडरी पोलर बॉडीज बनी फर्स्ट से। तो ये आपकी कितनी पोलर बॉडीज हो गई, एक दो तीन, प्राइमरी पोलर बॉडी एक से दो बनी और यहाँ से डिवीजन हुआ तो दो बनी, तो ये सेकेंडरी पोलर बॉडी बन गई। एक मतलब इससे दो बनी, इससे भी दो बनी, फर्स्ट डिवीजन में यहाँ तक आया। इसके बाद इसने ये बनाया, दो दो सेल बनाती है ना सारी, जैसे उसमें बन रही थी दो दो सेल लाइक दिस, दो दो सेल, सेम इसमें दो दो सेल बनी, तो एक तो तुम्हारा सेकेंडरी ओसाइट बना, ओवम बना, और दूसरे में इसने दो पोलर बॉडी बनाई, इसने बोला, तो ये लास्ट में जितनी पोलर बॉडी बनी वो बनी तीन। तो ये तीनों पोलर बॉडीज आपकी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है, इनका कोई मतलब नहीं है, और एक मैच्योर ओवम एग रिलीज हो जाता है, ओवम बन जाता है। उसके बाद रैपनिंग होती है एग की, ओजेनेसिस फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग टर्म्ड एज एग मेम्ब्रेन, सबसे बाहर की लेयर होती है जिसको हम एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्राइमरी मेम्ब्रेन इज फॉर्मड विच सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम इज सीक्रेटेड बाय ओवम इटसेल्फ। द सेकेंडरी मेम्ब्रेन टर्म, जो पहली लेयर एग मेम्ब्रेन, जो सेकेंडरी लेयर है उसको बोलते हैं चोरियन। ये किससे बनेगी, ओवरियन फॉलिकल से, ये गैपिंग फॉलिकल, और यही रप्चर होती है। और टेरिटरी मेम्ब्रेन जो सीक्रेट होती है ओविडक्ट में, व्हेन द ओवम पासिस फ्रॉम द ओवरी टू आउटसाइड। तो द रैप ऑफ ओवम इज स्पेरिकल ओवल एंड नॉन मोटाइल, इन अ रैप ओवम द पोलरिटी इज फिक्स्ड। क्या होता है जो रैप ओवम है वो स्पेरिकल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, नॉन मोटाइल होता है, और पोलरिटी इसकी फिक्स होती है। तो ये समझ में आया डिफरेंस स्पर्मेटोसाइट्स और ओसाइट्स में, उसमें एक से यहाँ मल्टीप्लीकेशन फेज और ग्रोथ फेज दोनों का सेम था, सेम नथिंग चेंज, लेकिन इन द मैचुरेशन फेज जब म्यूसिस फर्स्ट हुआ तो उसने दो सेल बनाई पोलर बॉडी, यहाँ से डिवीजन होके, इसके बाद इसने फिर दो दो बनाई तो चार बनती है ना, जैसे इसमें भी चार बनी, इसमें भी चार बनी है, तो ये तो स्पर्मेटिड से चार, लेकिन ये आपके इसमें एक ओवम आया और तीन बाकी जो हुई वो हुई पोलर बॉडीज। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द, केवल एक स्टेप चेंज है, अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस आती है तो आपको ओजेनेसिस आ जाएगी, ओजेनेसिस आती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस आ जाएगी, नथिंग चेंज। एंड उसके बाद ओजेनेसिस में एक स्टेज और बढ़ जाती है, दैट इज रैपनिंग ऑफ एग। इसमें क्या होता है आपका वो प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म होती है जिसको एग मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बाद सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है जिसको कोरियन बोलते हैं, और जो थर्ड मेम्ब्रेन है उसको हम टेरिटरी मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, ओविडक्ट में प्रोड्यूस होती है जो कि ओवम पास होता है ओवरी टू आउटसाइड। तो जो रैप ओवम है स्पेरिकल ओवल शेप का होता है, नॉन मोटाइल होता है। थैंक यू।